से अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है, सुइयां चुभना, पाँव का सुन हो जाना, अक्सर हजरात ये भी कंप्लेन करते हैं। और इसकी वजह यही होती है कि उनकी शाटिक नर्व की इम्पिंजमेंट चल रही है, यानी कि उनकी शाटिका की कंडीशन चल रही है। ज़रूरी नहीं है कि आपको दर्द जो है कमर से स्टार्ट हो तो आप शाटिका समझेंगे, बल्कि आपका दर्द अगर टांग के आगे वाले हिस्से में या पिछले वाले हिस्से में भी आता है तो ये भी शाटिका की कॉज हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर शज़ा। मैं एज अ कायरोप्रैक्टर पिछले 5 साल से अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। 3 साल मैंने मियो हॉस्पिटल में जॉब की है और अब एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अपनी सर्विस जो है अपने प्राइवेट क्लिनिक लाहौर स्पाइन केयर में प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि है DHA पंजाब सोसाइटी में। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप लोगों ने अक्सर ये कंडीशन देखी है और आप लोग ख़ुद भी इस कंडीशन में मुब्तला हैं, ये है शाटिका की कंडीशन। अक्सर लोग समझते हैं कि शाटिका जो है एक स्पेसिफिक एज में जाके शाटिका की कंडीशन होती है, लेकिन आजकल जो है यंग एज में भी शाटिका की कंडीशन हो जाती है। शाटिका में दरअसल होता क्या है कि हमारी एक शाटिक नर्व है जो पूरी टांग को सप्लाई करती है, उसके कंप्रेशन में, उसकी इम्पिंजमेंट में आपकी जो है नर्व कंप्रेस हो जाती है और इस कंडीशन को हम लोग शाटिका बोलते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है, सुइयां चुभना, पाँव का सुन हो जाना, अक्सर हजरात ये भी कंप्लेन करते हैं। और इसकी वजह यही होती है कि उनकी शाटिक नर्व की इम्पिंजमेंट चल रही है, यानी कि उनकी शाटिका की कंडीशन चल रही है। ज़रूरी नहीं है कि आपको दर्द जो है कमर से स्टार्ट हो तो आप शाटिका समझेंगे, बल्कि आपका दर्द अगर टांग के आगे वाले हिस्से में या पिछले वाले हिस्से में भी आता है तो ये भी शाटिका की कॉज हो सकती है। अच्छा, हम लोग अपने क्लिनिक में इसका इलाज करते हैं विदाउट मेडिसिन और सर्जरी। हम लोग कायरोप्रैक्टर टेक्निक के थ्रू इसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिजियो सेशन के थ्रू करते हैं, हम लोग यहाँ पर कपिंग भी करते हैं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन किया जाता है पेशेंट से रिलेटेड। और इसमें बहुत सारे पेशेंट को रिकवर हुए हैं और काफ़ी अच्छी हमारी जो है रिकवरी रेट होता है। अच्छा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको शाटिका की कंडीशन है या यही वाले सिम्टम्स हैं? तो आपको इन स्पेसिफिक चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि आपका दर्द जो है कमर से ही स्टार्ट हो, आपकी टांग के आगे वाले हिस्से या पिछले हिस्से से भी दर्द आ सकता है, वहाँ से भी आपकी जो नर्व है उसका कंप्रेशन आ सकता है। आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का ख्याल रखना है, जिसमें आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जर्की मूवमेंट नहीं करनी, बहुत ज़्यादा चलने फिरने का काम नहीं करना, बहुत ज़्यादा हार्ड मैट्रेस यूज़ नहीं करना, मॉडरेट मैट्रेस यूज़ करना है, अपनी एक्टिविटी को मॉडरेट रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, अपनी एक रेंज ऑफ मोशन स्पेसिफिक रखनी है और कोशिश करनी है कि आप लंबर स्पोर्ट यूज़ करें या बेल्ट का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आपने सोते वक्त ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अफेक्टेड साइड पे नहीं सोना, जो भी आपका अफेक्टेड साइड है राइट या लेफ्ट आपने ऊपर वाली साइड पे ही रखना है। कोशिश करनी है कि आपने सीधा नहीं सोना, अपने पिलो का कुशन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर आप लोग फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टर या एस्थेटिक सर्विस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप मेरे क्लिनिक को विज़िट कर सकते हैं जो कि DHA पंजाब सोसाइटी में है, या फिर marham.pk से, मरहम के प्लेटफॉर्म से आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं।